चलती पुरानी दिल्ली। जो भी गुजरा है उसने लूटा है, इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कदरे सुखन। कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर, सच कहा था शायर आजम जौक ने। कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर, गलियों में जो आया वो यहीं का होकर रह गया। दिल्ली की पेचीदा गलियों में इतिहास के शाही खंडहर हैं, मौजूदा दौर की गगनचुंबी इमारतें हैं और आने वाले भविष्य की झलक भी है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, एक प्रतीक है सत्ता का, सिस्टम का और शक्ति का। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का शासन इस शहर से चलता है और इस संसद में वो कानून बनते हैं जो सवा अरब की आबादी का भविष्य तय करते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जनता एक बार फिर से जनार्दन होगी जो अपने वोट से भारत का भविष्य लिखेगी और साथ ही राजनीतिक दलों के किस्मत का भी फैसला करेगी। 17वीं लोकसभा के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में बनने वाली सरकार को चुनने के लिए जहां सारे देश के वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वहीं दिल्ली के वोटर भी अपने सांसद को चुनेंगे। तो चुनाव से पहले दिल्ली के आम लोगों का सियासी रुझान क्या है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के पिलंजी इलाके में पहुंची। इस क्षेत्र को स्थानीय सांसद मीनाक्षी लेखी ने गोद लिया है। चूंकि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाला एक गांव है, कितना बदला, क्या विकास हुआ यहां का? नहीं, विकास तो हुआ है, काम करा है मैम ने, ऐसा नहीं है, लेकिन काम कुछ काफी रह गए अभी। इस लोकसभा क्षेत्र में इस गांव का वोट काफी मायने रखता है, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव? 2014 के आम चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। नई दिल्ली सीट से बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशीष खेतान को 1,62,708 मतों के अंतर से पराजित किया था। बीजेपी को 47.02% और आम आदमी पार्टी को 30.14% वोट मिले थे। नई दिल्ली न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से भी काफी अहम सीट है, क्योंकि यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के सीएम भी हैं। इसलिए इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। आज तक ये हमारी वीआईपी सीट रही है, यहाँ पे सिर्फ वीआईपी बाहर से लाके हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, उसके अलावा यहाँ का लोकल नेता नहीं होता है, तो यहाँ पे तो जिसका नाम होगा वही चलेगा। अब जैसे सीएमजी है, सीएमजी ने शीला दीक्षित जी को हराया था, तो अगर शीला दीक्षित जी आती है अब जिस हिसाब से वो प्रदेश अध्यक्ष आई है, तो इस बार मुकाबला त्रिकोणा होगा। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1,27,00,000 वोटर हैं, जबकि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में करीब 14,89,263 वोटर हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी तादाद है। अब सवाल है कि आखिर यहां के लोग इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएंगे? मुझे लगता है जो स्वच्छता जो अभियान चलाया था, तो वो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा मुद्दा जो बनना है, क्योंकि कई पार्टीज विरोध भी कर रही हैं या उठा रही हैं। मुझे लगता है कि सरकार इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लोअर लेवल पे ढंग से नहीं हो रही है, जो नीतियाँ ऊपर से बन के आ रही हैं, चाहे वो जनधन उन्होंने चलाया, तो वो लोअर लेवल तक पहुँचे ये देखना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्वच्छता हो, बट प्रॉपर जैसे जो NDMC की गाड़ियाँ हैं वो प्रॉपर टाइम पे ना पहुँचना, कभी आना कभी नहीं आना। अब तो नेता आना शुरू कर देंगे वोट मांगने के लिए, क्या सवाल पूछेंगी आप? पिछले 4 साल का हिसाब मांगेंगे उनसे आप? हाँ जी जरूर, वैसे भी हम स्टूडेंट हैं, तो हमने कोर्स किया था PMKVY जो मोदी ने चलाया था, तो वो एक तरह से अच्छा भी था, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ एडवांटेज हुआ नहीं कि एम्प्लॉयमेंट मिला हो स्टूडेंट्स को। या आप बताइए, घर चलाने में जो तमाम सरकार की सुविधाएं हैं, स्कीम हैं, उसका कुछ लाभ आपको मिल पा रहा है या फिर पिछली सरकार और इस सरकार में कोई अंतर नहीं? नहीं नहीं, बहुत अंतर है। अब की जो सरकार आई हुई है वो हम लोगों के लिए बहुत सोच रही है, हाउस वाइफ के लिए बहुत सोच रही है, और जो वो स्कीम चला रहे हैं उससे हम लोगों को बहुत फायदा है। दिल्ली वैसे तो देश के सबसे मॉडर्न और विकसित महानगरों में शुमार की जाती है, लेकिन इसके दामन पर एक बदनुमा दाग भी है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तादाद इतनी ज्यादा रही है कि इसे रेप कैपिटल तक कहा जाता है। दिल्ली के निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम रहेगा। आप बताइए, आपसे सवाल यह है कि महिलाओं की जब बात करते हैं तो सुरक्षा की बात होती है,
चूंकि आप देश के सबसे भी वीआईपी कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र में है, सुरक्षा को लेकर क्या है? सुरक्षा को लेकर मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छी स्थिति है, क्योंकि छोटी बच्ची है या बड़ी लेडीज है, कोई भी आराम से बाहर निकल नहीं पाती है। छोटी बच्चियों का भी रेप हो रहा है तो यंग लड़कियों का भी हो रहा है, तो आपको लगता है कानून है लेकिन उस कानून को ठीक से पालन नहीं कर? हाँ बिल्कुल। नई दिल्ली लोकसभा सीट के कुछ इलाकों में रहने वाले लोग पानी की समस्या का भी सामना करते रहे हैं, इसलिए जल संकट का सवाल भी इलेक्शन में उठेगा। पानी की समस्या तो है इस टाइम, पर पहले जो पहले था बीच में जो सुधार था, तो अब फिर ये तो कुछ दिन से पानी की दिक्कत तो हो रही है। पानी जो है इस समय तो गंदा भी आ रहा, पानी पता नहीं क्या है, पानी भी गंदा आता और कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा। मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कामकाज को लेकर लोगों की राय बटी हुई है, लेकिन आम लोगों को लगता है कि महंगाई फिलहाल नियंत्रण में है। महंगाई तो अब ठीक है, कम तो है, पहले से तो कम ही है। दाल कहाँ पहले कितना 200 रुपये से ऊपर चला गया था, अब दाल जो है 60-65 में मिल जाता, 80 में मिल जाता, तो महंगाई तो ठीक है, 100 के अंदर तो सारा ही दाल हो गया, सब्जियाँ भी ठीक है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ देश के कोने कोने से लोग रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। यहाँ लाखों लोग दफ्तरों, कारखानों और दूसरे व्यवसायों में काम करते हैं। पिछले चुनाव में चर्चा चाय पर हो रही थी, लेकिन इस चुनाव के ठीक पहले चर्चा आप पकौड़े पर भी हो रही है, तो जरा इस पकौड़े के दुकान पर ही लोगों से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस पकौड़े के निर्माता से ये बताइए कि आप पकौड़ा बनाते हो, इसके पूरे ही दिन भर के सेल आउट से क्या आपका घर परिवार चल जाता है? हाँ जी। कुछ जरा पकौड़े के दुकान पर इकट्ठा लोगों से बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, चुनाव आने वाला है एक बार फिर से, और चुनाव को लेकर आपके जहन में भी कई तरह के सवाल होंगे, क्या आपको लगता है कि 2014 में जो वादा किया गया था वो सारा पूरा हो चुका है? कुछ तो हुआ ही है, हुआ है कुछ तो। हाँ क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव? इस बार मुद्दा क्या है, बनेगी मोदी तो बने, मुद्दा क्या होना है? आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होगा? ऐसा है, हम लोग तो आम आदमी के साथ हैं और केजरीवाल के साथ ही रहेंगे, हमारे लिए केजरीवाल ही बहुत अच्छे हैं। राजनीति के तकाजे अपनी जगह है, लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के सामने रोजगार एक बड़ी समस्या है, और इसके लिए वो केंद्र की एनडीए सरकार से नाखुश नजर आते हैं। जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, जो एक्सपीरियंस फ्रेशर का तो छोड़े, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसके पास आजकल जॉब नहीं है। सर पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है जितना मुझे लगता है, कि आजकल के टाइम में अभी देखा जाए तो सारे बेरोजगार ही घूम रहे हैं, और रोजगार किसी के पास भी नहीं है, बिजनेस किसी के पास रह नहीं गया। नई दिल्ली के बाद दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करते हैं। इस सीट पर 2014 के आम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत को 1,07,000 वोटों से हराया था। चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा भी गरमाने लगा है, इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है राम मंदिर वाला, जो सरकार ने हमारे से वादा किया था वो अभी तक हुआ नहीं। जब भी चुनाव होता है राम मंदिर पर होता है, जैसे मान लो कि हम जब से वो संभाले राम मंदिर की ही कहानी चल रही है, जब इलेक्शन आते तभी राम मंदिर याद आता है, उसके बाद राम मंदिर उसके बाद बिल्कुल लुप्त हो जाता है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। लोकसभा सीट तो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन यहाँ की सभी विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई। आम चुनाव में भी ये दोनों पार्टियां आमने सामने नजर आती हैं, और उन्हें चुनौती देते हुए कांग्रेस भी मैदान में रहेगी। और अब बात पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की। दिल्ली एक है, लेकिन दिल्ली के हर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे अलग हैं, लोगों की सोच अलग है, लोगों की परेशानियां अलग हैं, लोगों की तकलीफें अलग हैं, और जाहिर तौर पर जो तमाम वायदे यहां पर जनप्रतिनिधियों ने आम आदमी से किया तो उसको लेकर लोगों का भी अपना एक मूल्यांकन है। क्या कहते हैं तमाम लोग यहां पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किन उम्मीदों के साथ 2014 में आपने वोट किया था और अब क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है, एक और चुनाव अब आपके सामने है। ऐसा है, हमने तो बीजेपी को पहले वोट दिया था कि भाई शायद कुछ ना कुछ चेंज आएगा, पर हमें चेंजेस कुछ लगा नहीं है कि भाई ग्राउंड के ऊपर कुछ चेंजेस नज़र आए, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आए। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस लोकसभा चुनाव? मुद्दा तो यही है, प्रॉपर्टी भी थोड़ी डाउन हुई पड़ी है सारी, हमारा तो काम ही यही है, 3 साल हो गए ऐसे खाली बैठे हुए। एटली मोदी जी ने कुछ काम किए भी हैं नो डाउट, बट बगैर इस टाइम बिजनेसमैन भी परेशान है, नौकरी वाला भी परेशान है। पश्चिमी दिल्ली से 2014 में बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जर्नैल सिंह को 2,68,586 वोटों से हराया था। पश्चिमी दिल्ली में सिख वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है, यहाँ चुनाव में 1984 के दंगा पीड़ितों को
इंसाफ का मुद्दा भी उठेगा। बिल्कुल होगा, इसका बेनिफिट बीजेपी को शायद मिल भी सकता है, बट जो लेट होने की वजह से भी बेनिफिट भी थोड़ा मार्क सिख जो है अगेंस्ट है कि जो सुनाई हुई है बहुत लेट हुई है, 15-20 साल लग गए सुनाई करते करते। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सजा हो चुकी है। इस बीच पार्टी के एक कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के साथ जगदीश टाइटलर की मौजूदगी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जगदीश टाइटलर का नाम भी 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सामने आ चुका है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जीत हार को तय करने में सिख वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। 1984 के दंगों का दंश झेल रहा है समुदाय हर चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाता है, लेकिन इस चुनाव के ठीक पहले सज्जन कुमार के सलाखों के पीछे जाने से ये मुद्दा थोड़ा ठंडा जरूर है, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बीजेपी और उसके नेता इस बात को एक तरह से भुनाने में जुटे हुए हैं कि उनके शासनकाल में सज्जन को सजा मिली, तो वहीं फुलका के आम आदमी पार्टी छोड़ने से आपको एक सेटबैक जरूर लगा है, जबकि कांग्रेस तो इस मुद्दे पे हर बार बैकफुट पर रही है। बावजूद इसके हम याद दिलाएं कि 2014 के ठीक पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से जीत हासिल हुई थी, यानी 2009 का चुनाव कांग्रेस ने यहाँ से जीता था, लेकिन 2014 में कांग्रेस का इस लोकसभा क्षेत्र से सुपड़ा साफ हो गया था। दिल्ली न सिर्फ राजनीति और प्रशासन बल्कि कारोबार का भी बड़ा केंद्र है। कुछ कारोबारियों को लगता है कि मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा है और वो अपनी नाराजगी जाहिर करने से परहेज भी नहीं करते। बात बट भैया मोदी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है व्यापार का। जो व्यापार जो सर दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है, अब वही आज 3 साल थे वो क्या हाल हुआ पड़ा इसमें, अब व्यापार ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा। आदमी दिल्ली के सामने समस्याओं की लंबी फहरिस्त है, प्रदूषण, सफाई, ट्रैफिक जाम, कानून व्यवस्था और सीलिंग से लेकर यमुना के कायाकल्प तक तमाम चुनौतियां राजधानी के सामने हैं। चुनाव के वक्त जब नेता वोट मांगने आएंगे तो दिल्ली के मतदाता उनसे एक एक तकलीफ का हिसाब मांगेंगे। चिराग दिल्ली से मूलचंद को जोड़ती है सड़क है जिस पर BRT कॉरिडोर बना था, और कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही इस सड़क से जो राजनीति शुरू हुई थी उसने न सिर्फ दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट को बल्कि समूची दिल्ली को प्रभावित किया था। आज भी सड़क पर देखें तो आपकी सरकार आने के बाद कॉरिडोर को भले ही तोड़ दिया गया है, लेकिन यहां जाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ट्रैफिक का जो लोड है वो ठीक आपके सामने है कि किस तरह से ये समूची सड़क भीड़ भाड़ वाली पूरे दिन रहती है और कुल मिलाकर ट्रैफिक का कंजेशन यहां बना रहता है। साउथ दिल्ली के समूचे ही हिस्से में एक तरह से जो जाम और पार्किंग है वो एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर लगातार राजनीति गरमाती रही है, सीलिंग भी लगातार जारी रही, और कुल मिलाकर सीलिंग को लेकर जो राजनीति परवान चढ़ती है वो यहाँ के चुनाव को भी प्रभावित करती है। 2014 में दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को धो डाला। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी दिल्ली में PM मोदी के नाम और उनके काम पर बंपर वोट मिलेंगे। बिजली के कीमत आज फिक्स रेट करके बढ़ा दी गई, वादा तो करते थे कि पानी फ्री देंगे, जीतने के बाद कर देते हैं नहीं, 20,000 लीटर फ्री देंगे, और कई जगह पानी की पाइप ही नहीं है तो लीटरवा भरोगे कैसे, लीटर गिनोगे कैसे, ये जो धोखा दिया गया है ये मुद्दा रहेगा 2019 में। उधर कांग्रेस ने भी वापसी के लिए कमर कस ली है। चुनाव से पहले शीला दीक्षित को दिल्ली कांग्रेस की बागडोर थमा दी गई है। लोग तोलेंगे कि सेंटर में आने से पहले जो मौजूदा सरकार है इनके क्या वायदे थे, प्रधानमंत्री ने क्या वायदे करे थे, और वो वायदे पूरे हुए या नहीं हुए, या वो फ्लॉप गए या जुमले बन के रह गए। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरने की रणनीति में जुटी है। केजरीवाल का चेहरा और पूरी तरीके से बेदाग चेहरा है, इसलिए वो चेहरा भी होगा और उस चेहरे के द्वारा किए गए दिल्ली के काम भी होंगे। बहरहाल ये तो राजनीतिक पार्टियों के दावे हैं, अब देखना है कि जनता इनमें से किसके दावे पर एतबार करती है, कौन सा दल दिल्ली का दिल जीतने में कामयाब हो पाता है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।